आज हम समझेंगे क्लास टेंथ की मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। और इसके साथ ही आज से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा, यानी कि 3 साल के बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो उसकी डॉटर की एज की 3 गुना हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो 2 सिचुएशंस दे रखी हैं 7 ईयर एगो एंड 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इन दोनों सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली भी शो करना है और ग्राफिकली भी शो करना है। एल्जेब्रिकली मतलब इन दोनों सिचुएशंस को हमें इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली का मतलब इन दोनों सिचुएशन को हमें ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो चलिए वन बाय वन हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर की जो प्रेजेंट एजेस हैं उनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज आफ्ताब की है एक्स ईयर और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज है वाई ईयर। अब देखिए फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इसमें हमें 7 ईयर एगो से रिलेटेड कुछ सिचुएशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम आफ्ताब और उसकी डॉटर की 7 साल पहले की एज कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए 7 ईयर एगो आफ्ताब की जो एज होगी वो अभी की जो प्रेजेंट एज है उससे 7 साल कम होगी, यानी कि x माइनस 7 ईयर होगी। और जो उसकी डॉटर है उसकी एज होगी y माइनस 7 ईयर, क्योंकि 7 साल पहले की एज निकालने के लिए प्रेजेंट एजेस में से हमें 7 ईयर को माइनस करना होगा। अब देखिए 7 ईयर एगो जो हमने ये दोनों एजेस निकाली हैं आफ्ताब और उसकी डॉटर की, इनकी हेल्प से हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 7 ईयर एगो आफ्ताब जो था वो 7 टाइम था अपनी डॉटर की एज का। तो देखिए आफ्ताब की एज थी 7 साल पहले एक्स माइनस 7 और उसकी डॉटर की एज थी वाई माइनस 7, और आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम था, तो डॉटर की एज को हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 7 से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स माइनस 7 इक्वल होगा 7y माइनस 7, 7 ज़ा 49। इस 7 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर ली। अब जितने भी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम एक साथ ले आते हैं, तो x माइनस 7y, 7y लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में बचेगा माइनस 49। अब देखिए यहाँ पर 7 माइनस का है तो ये भी चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो x माइनस 7y बचेगा माइनस 42 के इक्वल, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन साइन तो बड़े नंबर का आता है, तो इन्हें सॉल्व करने पे बचेगा माइनस 42, और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन वाली इक्वेशन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। चलिए अब सेकंड वाली कंडीशन को भी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें गिवन है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि हमें सबसे पहले आफ्ताब और उसकी डॉटर की आज से 3 साल बाद की एज निकालनी होगी। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3, यानी उनकी जो भी प्रेजेंट एजेस हैं उसमें हमें 3 साल ऐड करने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि आफ्ताब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी डॉटर की। तो 3 साल के बाद आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3 और उसकी डॉटर की एज होगी y प्लस 3। 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि डॉटर की एज को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उन दोनों की एजेस इक्वल हो जाएंगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 3 3 ज़ा 9 के। वेरिएबल वाले टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, तो x माइनस 3y इक्वल होगा 9 माइनस 3 के। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस 3y हमारे पास आएगा 6 के इक्वल। तो इस तरह से ये जो दूसरी वाली सिचुएशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमारे पास जो 2 सिचुएशन गिवन थी उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एल्जेब्रिकली, और सॉल्व करने पर हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, यानी कि ग्राफ पेपर के ऊपर हमें इन्हें ड्रॉ करके दिखाना है। इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस की कुछ इस तरह से टेबल्स ड्रॉ करनी होंगी, यानी एक्स और वाई के हमें दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक्स या वाई के प्लेस पे कोई भी नंबर पुट करके देखना होता है और सॉल्व करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। सपोज एक्स के प्लेस पे हम एक वैल्यू कंसीडर करते हैं एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन में पुट करने पे हमें मिलेगा ज़ीरो के प्लेस पे हमने रखा एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, तो इससे हमें मिलेगा सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 42 को 7 से डिवाइड करना होगा तो हमें आंसर मिलेगा 6। अब x और y की जो दो वैल्यूज़ हमें मिली हैं इसको हम पुट कर देते हैं इस टेबल में। तो x के प्लेस पे हमने जब 0 रखा तो हमें आंसर मिल गया 6। अब हम x के प्लेस पे कोई और वैल्यू कंसीडर करते हैं। सपोज हम x के प्लेस पे रखते हैं 7। अगर हम x के प्लेस पे 7 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ऐसी डिजिट्स यूज़ हुई है इस इक्वेशन में जो 7 से डिवाइड हो रही हैं, तो 7 रखने पे हमें एक परफेक्ट नंबर मिल सकता है। तो हम रखेंगे x के प्लेस पे 7, तो हो जाएगा 7 माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू। माइनस सेवन वाई इक्वल होगा माइनस फोर्टी टू और ये वाला 7 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो हो गया माइनस सेवन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस सेवन इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, और 42 और 7 को प्लस करने पे हमें मिलेगा 49। अब देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और 7 से 49 कैंसिल हो गया 7 जा में, तो इस तरह से y की एक वैल्यू हमें मिल गई है 7। तो हमने x के प्लेस पे रखा था 7 और हमें y के प्लेस पे भी आंसर मिल गया 7। अब x और y की थर्ड वैल्यू निकालने के लिए हम x के प्लेस पे कोई 7 का ही मल्टीपल रख देते हैं, तो 7 टू जा होते हैं 14, तो हम सपोज पुट करते हैं x इज इक्वल टू 14। तो x के प्लेस पे 14 रखने पर हमें मिलेगा 14 माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस 42, माइनस सेवन वाई इक्वल हो जाएगा माइनस 42 माइनस 14 के। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस सेवन वाई इक्वल आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस लेकिन साइन नेगेटिव का ही आता है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 56। अब इसे सॉल्व करने पे माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल और 7 8 का हमें मिलेगा 56। तो हमने यहाँ रखा था x के प्लेस पे 14 और y की वैल्यू हमें मिली है इससे 8, तो हम रख देंगे y के प्लेस पे 8। सो इस तरह से फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। आप चाहे तो 3 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए इक्वेशन नंबर 2 की टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो x के प्लेस पे हम कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए y के साथ 3 है और राइट हैंड साइड में 6 है, तो ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम x के प्लेस पे 3 का ही मल्टीपल पुट कर देते हैं। तो सपोज हम x के प्लेस पे पुट करते हैं 3, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3 माइनस 3y इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे इसे तो माइनस 3y इक्वल होगा 6 माइनस 3 के और इससे हमें मिलेगा माइनस 3y इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू हमें मिलेगी 3 अपॉन माइनस 3 और 3 से 3 यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y इक्वल आ गया माइनस 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू हमने रखा था 3, तो हम टेबल में x के प्लेस पे 3 रख देंगे और y हमें मिला माइनस 1, तो y के प्लेस पे हम माइनस 1 पुट कर देंगे। अब टेबल में दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम 3 का ही कोई मल्टीपल x के प्लेस पे पुट कर देते हैं। तो सपोज x के प्लेस पे हम पुट करते हैं 6। अब 6 पुट करने पर हमें मिलेगा 6 माइनस 3y इक्वल टू 6 और इससे माइनस 3y इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 6 के, माइनस 3y इक्वल टू हमें मिलेगा 0। और जब आप इसे y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो माइनस 3 है वो राइट हैंड साइड में 0 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा और इससे हमें मिलेगा 0, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करने पे हमें 0 ही मिलता है। तो देखिए x इज इक्वल टू 6 पुट किया तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू हम टेबल में रख देंगे तो x के प्लेस पे आ गया 6 और y के प्लेस पे हो गया 0। अब x और y इन दोनों की थर्ड वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से x के प्लेस पे 3 का ही कोई मल्टीपल पुट कर देते हैं। सपोज x के प्लेस पे हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 9।
इसको पुट करने पे हमें क्वेश्चन मिलेगी 9 - 3y = 6। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो -3y = 6 - 9 के, और इससे हमें मिलेगा -3y = -3, क्योंकि 9 और 6 को माइनस करने पे हमें -3 ही मिलेगा। अब देखिए माइनस के साइन से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3y = 3। अब इससे हमें y की वैल्यू मिलेगी 3/3, यानी कि y आ गया 1 के इक्वल। तो x = 9 पुट करने पे हमें y मिला 1, तो हम वैल्यू टेबल में रख देते हैं। तो x के प्लेस पे हम रखेंगे 9 और y के प्लेस पे हम रखेंगे 1। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस की दो टेबल हमें मिल चुकी हैं। चलिए अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस की जो टेबल्स हैं वो यहाँ पर आपको साइड में दिख रही होंगी। अब इनके जो कोऑर्डिनेट हैं इनको 1 by 1 ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस, और ये जो बीच में आपको पॉइंट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ओरिजन। ओरिजन के किसी भी ग्राफ में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव साइन के ही होंगे। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव साइन के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में सारे कोऑर्डिनेट नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू के होते हैं, और जो लास्ट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले टेबल में जो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, 6, तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें रिप्रेजेंट करना है 0, 6 को, तो ये दोनों ही प्लस प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है 0 और वाई कोऑर्डिनेट है 6। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 0 है ये वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस पे जो 6 है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 0 और 6 इन दोनों के लिए अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा इस वाले पॉइंट पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, 6। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट वाली टेबल में वो है 7, 7, यानी कि x एक्सिस पे भी 7 देखना है और y एक्सिस पे भी 7 देखना है। तो देखिए x एक्सिस पर 7 पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, और y एक्सिस पर जो 7 पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर है। तो हम इन दोनों के सीध में जाने वाली जो लाइन है उस पर पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे, यानी कि फाइनल जो पॉइंट हमें मिलेगा वो कुछ इस जगह मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7, 7। इसी तरह से जो थर्ड वाला कोऑर्डिनेट है 14 और 8, इसको भी हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे। बट इस टाइम इस ग्राफ पेपर पर मैं सिर्फ 2 पॉइंट ही आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ग्राफ पेपर में इतना स्पेस नहीं है कि हम इसको 14 पॉइंट तक एक्सटेंड करें। तो हम यहाँ पर ओनली 2 पॉइंट्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 2 पॉइंट्स जो हमें मिले हैं इनको मिलाती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप यहाँ पर स्केल का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी लाइन एकदम सीधी आएगी। तो ये जो लाइन हमें मिली है ये इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसके आगे लिख देंगे x - 7y = -42। अब जो सेकंड वाली टेबल है इसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड टेबल में फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है 3, -1। अब देखिए 3 है प्लस का और 1 है माइनस का, तो ये आएगा प्लस माइनस वाले क्वाड्रेंट में, और प्लस माइनस वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए x एक्सिस में हमें पॉइंट 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो x एक्सिस में हमें देखना होगा ये वाला पॉइंट यानी कि 3, और जो y एक्सिस है इस पर हमें डिनोट करना है -1 को, तो y एक्सिस पे -1 है ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट हमें मिलेगा उसको हम डिनोट कर देंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 3, -1। अब इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन में जो सेकंड पॉइंट है 6, 0, इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 6 आएगा x एक्सिस पे और 0 आएगा y एक्सिस पे, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं इसका मतलब ये जाएगा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। तो x एक्सिस पे 6 पॉइंट आपको कहीं यहाँ दिख रहा है, और y एक्सिस का जो 0 पॉइंट है वो आपको ओरिजिन पे दिख रहा है। तो 6, 0 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें कुछ इस जगह मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, 0।
अब इसी तरह से जो थर्ड वाला पॉइंट बचता है 9 और 1, इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ग्राफ पर, बट यहाँ पर हम ओनली 2 पॉइंट्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको लाइन मिली है ये है एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट करते हुए, यानी कि जो सेकेंड वाली इक्वेशन है इसको ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से जो दो इक्वेशंस हमें मिली थी उन दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में दी हुई दोनों सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।